सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही तेज तरार बारिश के बीच भी कार्यकर्ताओं के कदम नहीं रुक पाए, जिसके चलते रविवार देर शाम को हिमाचल के म्यूजिकल इवेंट निदेशक विनोद नरोत्ता के साथ दर्जनों कांग्रेस परिवारों ने समीरपुर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के सामने भाजपा का दामन थामा। कार्यकर्ताओं ने खुद भाजपा के पटके पहने और विधिवत रूप से भाजपा परिवार में शामिल हुए। इस मौके पर सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, युवा भाजपा नेता आशीष महाजन विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर गांव भरेड़ा के निवासी जगदीश चंद, कैप्टन प्रमोद सिंह, कैप्टन प्रकाश, संदीप कुमार, सुरेश कुमार, रेखा देवी, नीलम कुमारी, कंचन देवी, अश्विनी कुमार, ज्योति प्रकाश, भूमि देव, राजेंद्र कुमार, कुलदीप चंदेल, शांति देवी सहित म्यूजिक इवेंट निदेशक विनोद नारोत्रा ने भाजपा में शामिल हुए हैं। सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि गांव भरेड़ा पंचायत के करीब 1.5 दर्जन परिवार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी सहित अन्य लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलकर उनकी कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल होने की बात की। उन्होंने बताया कि पंचायत में कुछ कार्य जो जनहित में होने थे, उनको लेकर वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिले थे और काम की गुहार लगाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से वे काम पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए पूरी पंचायत भी उनका आभार व्यक्त करती है और विधिवत भाजपा में शामिल हो रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से सुजानपुर के विधायक झूठ की राजनीति करते हैं। झूठ का प्रलोभन देकर बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये झूठ कब तक चलेगा? लोगों को अच्छे और बुरे की पहचान हो चुकी है। यही कारण है कि आए दिन दर्जनों परिवार कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जानपुर के माननीय विधायक श्री राजेंद्र सिंह राणा हमेशा भ्रमित करने की राजनीति करते हैं और वैसे हर दिन कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं और लोगों को हमेशा भ्रमित करते रहते हैं। और जैसे कि कल भेड़ा गांव के लोग काफ़ी 14-15 परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। वो आज से 2 महीने पहले माननीय धूमल जी के पास गए थे और उन्होंने अपने गांव की समस्या उनके समक्ष रखी थी और उन जिनका निदान माननीय धूमल जी ने करवाया और उसके बाद उससे प्रभावित होके गांव के समस्त जनता वहां से उठ के माननीय धूमल जी के नवास पे गए और अपनी इच्छा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो और दूसरी तरफ राजेंद्र राणा जी हमेशा भ्रमित करके ही लोगों को मैं ये कर दूंगा, मैं सुजानपुर का ये कर दूंगा, मैं सुजानपुर को सितारा सेक्टर बना दूंगा, चंडीगढ़ का सितारा सेक्टर बना दूंगा, 10,000 लोगों को रोजगार दूंगा, वैसे उन्होंने राजनीति करके लोगों को छला है। और दूसरी तरफ दोस्त जिन्हें हमेशा लोगों को उनका काम करके उनका भला करके अपने साथ जोड़ा है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में लोग फिर भ्रमित ना होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे।